हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक नई जगह पर, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गंगा का घाट। ये देखिए, ये पूरी गंगा का घाट है। मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ गंगा के घाट पे ही खड़ा हुआ हूँ, और ये मेरे चारों तरफ जो पानी बह रहा है इतनी खूबसूरती से, और इतना ठंडा माहौल है यहाँ पर। तो मैं आज आपको ये पूरी जगह दिखाने वाला हूँ, पूरी जगह एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। इसकी जो मेरे पीछे आपको फ्लाईओवर दिखाई दे रहा हूँ, जो बना हुआ फ्लाईओवर है, वहाँ पर पूरा एक बांध बना हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं इसके चारों तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको ये किस तरह से बना हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये जो घाट के ऊपर है ये छोटी सी एक मार्केट बनी हुई है। यहाँ पर सब खाने की पीने की चीज़ें मिलती हैं, और ये देखिए पूरा रास्ता है, सामने की तरफ रोड है, और इधर आप देखेंगे तो पूरा यमुना का किनारा है। ये देखिए पूरा यमुना का किनारा है, और ये पूरी मार्केट है यहाँ से नीचे सीढ़ियों जाने के बाद। और अभी गंगा में जो पानी कम है उसकी, जब पानी ज़्यादा रहता था तो सीढ़ियों तक पानी आया था ऊपर तक। आज ये अब उधर चलते हैं, फ्लाईओवर की तरफ चलते हैं, वाला चीज़ दिखाते हैं। ये देखो, ये जो 765 नंबर की आप जगह देख रहे हो ना, जिस पे लिखा हुआ है लोहे के पार्ट्स पे, इनसे पानी को रोका जाता है। जब पानी को रोकना होता है तो जो ऊपर हैं, ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ चले जाते हैं, और ये एक तरह से गेट हैं पानी को रोकने के लिए। तो इनसे पानी का फ्लो रोका जाता है, लगे जिस साइड में चलाना हो उधर चलाइए और उस जगह बंद कर दीजिए। ये सामने ये गंगा है, और इधर से एक नहर निकली हुई है, ये देखिए मेरे पीछे इस तरफ से ये एक नहर निकली हुई है, तो इसको भी बंद किया हुआ है। जब इसे चलाना होगा तो ये जो ऊपर जो पार्ट हैं ये नीचे चले जाएंगे, क्योंकि इसमें वेट लटका हुआ है। और जो नीचे इसके गेट हैं जिनसे पानी रोका जाता है, मैं भी दिखाता हूँ आपको, वो नीचे चले जाते हैं। तो नीचे जाने के बाद वो बंद हो जाता है, पानी बंद हो जाता है। आप देख रहे हो पानी किस तरह से बंद किया हुआ है। ये देखिए, ये सामने पानी है, और ये देखिए नीचे आप, ये इस तरह से गेट बना हुआ है। देखिए जैसे ये ऊपर उठेगा तो यहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा। दिखाता हूँ, थोड़े से करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, देखिए कितना हैवी इस पर स्ट्रक्चर लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है। अरे ये देखिए किस तरह से ये ऊपर आ रहा है। इसमें बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे वायर हैं दोनों साइड में, इन वायर से इसको ऊपर उठाया जाता है और इसमें पानी खोल दिया जाता है। तो यही सिस्टम होता है पानी रोकने का और चलाने का। तो ये है पूरा बैराज का पुल जो बिजनौर में है, और ये बिजनौर रोड में पड़ता है यूपी के अंदर। और आप ये देख रहे हो ये पूरा फ्लाईओवर है, ये पूरा पुल है, ये पूरा बैराज का पुल है। आप ये देखिए पूरा ये बैराज का पुल है। और यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवाएं आ रही हैं, मतलब बिल्कुल पानी से निकल के ठंडी हवाएं आ रही हैं। अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, रोड चल रहा है, पब्लिक यहाँ पे नहाने भी आती है घाट पे, और लोग नहाते भी हैं। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे मौसम लगता है। और जब देखोगे ना यहाँ पे, जब ये पानी बरसात में जो जमुना भर जाती है ना, तो इससे जितने भी आपकी, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है ना, जो जंगल दिख रहा है, जो पूरा ये जंगल दिख रहा है, तो वो पूरा पानी से भरा होता है। जहाँ तक नज़रें जाती हैं फिर पानी ही पानी दिखाई देता है। अभी वो वक्त भी आने वाला है बरसात में आ जाएगा कि जब यहाँ पर पानी ही पानी होगा, और इस साइड में पूरा ये स्टॉक हो जाता है पानी, रोक के छोड़ा जाता है, धीरे धीरे छोड़ा जाता है कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नहरें भी कटती हैं
और बहुत सारे छोटी नहरें भी कटती है जो किसानों की खेती की सप्लाई का पानी होता है वो भी यहाँ से ही निकलता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा आपको। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।